बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा। इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है, जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साये में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साये में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों ना हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे?
यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई है। बेटियां कहां गई इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहने एक ही बात बोल रहे हैं, गांव हो या शहर हो हर कोई एक ही बात कह रहा है, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, 50 साल से क्या बोल रहे हैं, गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जब ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था, हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है, दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए। अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे,
उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा, मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे, इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए, और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना, गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है, मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी, 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है, और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को, उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, सब लोग अपना मोबाइल निकालिए, ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है, ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए इसके लिए निर्णय है, आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए, ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है, आपका ये समर्थन, यही मेरी ताकत है। भाइयों बहनों, बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई मां बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे, भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे, भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे, भाजपा ने कहा था महिला आरक्षण का कानून बनाकर दिखाएंगे, भाजपा ने कहा था 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे, हमने ये सारी गारंटी पूरी कर दी भैया, सारी गारंटी पूरी किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, यही तो मोदी की गारंटी होती है। और भाजपा ने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, और ये मोदी है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है।
प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। साथियों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को उनका पक्का घर देने की गारंटी दी है। देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस गारंटी का फायदा मिल चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। आपके पास अभी तक पक्का आवास नहीं है, आप लिख लीजिए मोदी की गारंटी, यहां भाजपा सरकार बनते ही फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा, आपको पक्का घर दे करके रहने वाला। और यही तो मोदी की गारंटी है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों बेटियों को बताना चाहता हूं, ये घर बनता है लाखों रुपयों का, लेकिन अब पहले हमें मालूम हमारे समाज में कैसी व्यवस्था थी, घर है तो पिता के नाम पे या पति के नाम पे, दुकान है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, गाड़ी लाए तो पति के नाम पर, बेटे बेटी के नाम पर कुछ नहीं, महिला के नाम पर कुछ है ही नहीं, सब कुछ या तो पति के नाम पर या तो बेटे के नाम पर। ये मोदी ने तय किया, अब जो घर देगा ना सरकार, माताओं बहनों के नाम दिया जाएगा, मालिक मेरी माताएं बहनें बनेगी। अब आप महिलाओं के नाम पर भी कोई संपत्ति होगी, अब आप महिलाएं भी लखपति होगी, अपने घर की मालकिन होगी। और जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो तभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी, तभी छत्तीसगढ़ का भरोसा होता है। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही सवारेगी। साथियों, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या, उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है, क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है। भाइयों, मुख्यमंत्री कार्यालय
यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा, ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है, छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको, इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। यह आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री